हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितेश कुमार फ्रॉम AKNCA क्लासेस स्टूडियो दिल्ली। तो दोस्तों, मैं आपके सामने पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की डेमो क्लास रिकॉर्ड कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सोच रहे होंगे कि पेपर नंबर 2 भी मैंने कराया, बिजनेस लॉज एंड BCR 100 मार्क्स का, और पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स और BC के भी मैं करा रहा हूं। यस, आप सही सुन रहे हो और सही देख रहे हो। मैं नितेश कुमार CA फाउंडेशन स्टेज पे 2 पेपर कराऊंगा, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड BCR 100 मार्क्स और पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK 100 मार्क्स। मींस 400 मार्क्स के CA फाउंडेशन स्टेज के पेपर्स में 200 मार्क्स का पेपर मैं ही कराऊंगा। ठीक है बच्चे, लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे वो प्योरली बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की बात करेंगे। एकदम एक नया आइडिया आपके सामने आएगा, प्रेजेंटेशन आपको इस सब्जेक्ट को आसान बनाने में मदद करेगा, और फिर वी विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो आइए बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएं। जैसा अभी PPT चल रहा था, प्रेजेंटेशन में आपको दिख रहा था, मैंने अपने 25 इयर्स के टीचिंग करियर में इन दोनों पेपर को पढ़ाया है और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और ऑल इंडिया सेकंड रैंक मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं, और उसके बाद के रैंक होल्डर्स का तो एक पूरा लिस्ट लगा हुआ है जो आपने PPT में देखा भी होगा। सिमिलरली CA फाउंडेशन स्टेज में अभी रिसेंट एग्जामिनेशन के 2 स्टूडेंट का आपको मैं इकोनॉमिक्स पेपर का रिजल्ट दिखा देता हूं। लास्ट वाला 2 दिखा दीजिए। दिस स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड 97 मार्क्स। 4th पेपर में देखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK जो 4th पेपर है, 100 मार्क्स में 97 मार्क्स इस बच्चे के आए थे। नेक्स्ट, 6th नंबर, इस स्टूडेंट के भी 4th पेपर सीक्वेंस में, 4th पेपर देखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK में 97 मार्क्स आए। ठीक, उसके अलावा बड़े सारे स्टूडेंट के, ये तो थोड़ा रिसेंट मैंने अभी दिखाने की कोशिश की है, बड़े सारे स्टूडेंट के 100% मार्क्स भी इस पेपर में आए हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले समय में आपको भी इस पेपर में अच्छे मार्क्स आए। उसके लिए हम आपको मोटिवेट करेंगे, उसके लिए इंस्पायर करेंगे, एंड वी विल इंपार्ट क्वालिटी एजुकेशन ओवर हेयर। तो चलिए दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग पेपर नंबर 4। पेपर 4, दिस इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। 100 मार्क्स का ये पेपर है। पैटर्न यहां पे ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड BCR, दोनों सब्जेक्टिव फॉर्मेट पे आंसर किए जाने हैं।
जबकि पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथ्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग और पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब क्या हुआ, देयर विल बी अ क्वेश्चन वेयर यू विल बी गिवन 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट अमंग देम द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, यू विल हैव टू सेलेक्ट इट। और ये पेपर जो आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, इसका एग्जामिनेशन वो ओएमआर सीट पे होगा, ओएमआर सीट जिस पे आपको लेवलिंग करनी होगी वो मैं आपको सिखाऊंगा, मीन्स ब्लॉक्स दिए होंगे जिसको आपको लेवल करने होंगे। तो खैर, ये हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके का पैटर्न है, जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स दिस पेपर कैरीज द वेटेज ऑफ 60 मार्क्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इट कैरीज द वेटेज ऑफ 40 मार्क्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में इन टोटल 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स जो इसमें हैं दैट इज 5, और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में यू हैव टू स्टडी चैप्टर 6। चैप्टर्स कितने होंगे, 6 होंगे, तो इन टोटल 11 चैप्टर्स आपको यहां से करने हैं। मैं आपको दिखा दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की यह बुक आपको मिलेगी, ये मेरे द्वारा लिखी हुई है एंड यू विल बी गेटिंग दिस बुक एज अ पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल। इसके कंटेंट्स हैं, इसमें क्वेश्चन का भी पूरा फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, ये हमारे स्टडी मटेरियल का पार्ट होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स की ये बुक। देन यू विल बी गिवन द बुक ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज ये भी मैंने लिखा हुआ है, ये बुक भी यहां से, ये भी आपके स्टडी कंटेंट का पार्ट होगा एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आर साइट। और फिर एक एडिशनल बुक होती है जो क्वेश्चन बैंक का होता है, और इस क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर के साथ, आंसर रीजन के साथ, लॉजिक के साथ दिया हुआ होगा, यहां पर रीजन के साथ आंसर दिया हुआ होगा। तो ये इकोनॉमिक्स का बुक का हमारे यहां का मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन आवर कोर्स फीस। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करें, वी शुड स्टार्ट विथ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स, पैटर्न आपको समझा हुआ है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट है। इसका चैप्टर नंबर 1 होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। देन देयर इज चैप्टर नंबर 2, दैट इज थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चैप्टर नंबर 3 दैट विल इंक्लूड थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। चैप्टर नंबर 4 दैट विल इंक्लूड
price determination under different market forms. And chapter number 5, that includes business cycle. तो ये 5 chapters आपके business economics का content बनाते हैं जी, यही subject matter है, यही आपका course content है. एक बात आप देखते होइएगा, जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है, तो कुछ स्टूडेंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, इवन साइंस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट कभी कभी प्लस टू लेवल पे इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर सकते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट तो इकोनॉमिक्स उनका कंपल्सरी पेपर होता है. तो एक थोड़ा आइडिया आपको हो सकता है इस सब्जेक्ट का. लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे हु हैव नेवर स्टडीड इकोनॉमिक्स एट एनी लेवल. तो मेरी कोशिश होगी, जैसा कि मैं लॉ में करता हूं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी जीरो लेवल. मैं यह मान के चलूंगा कि यू हैव नेवर स्टडीड इकोनॉमिक्स एट एनी लेवल, और वहीं से मैं अपनी सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा. तो आज मेरा जो फोकस होगा या टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, दैट विल बी अबाउट थियोरी ऑफ डिमांड. थियोरी ऑफ डिमांड पहले करते हैं और फिर बाकी के टॉपिक को यहां पे आपके सामने लाया जाएगा. तो वी आर स्टार्टिंग विथ थियोरी ऑफ डिमांड. मैं इस टॉपिक को क्यों स्टार्ट करवा रहा हूं, मुझे क्या लगता है, पूरे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में डिमांड चैप्टर जो है वो सबसे फंडामेंटल चैप्टर है. और स्टूडेंट को अगर डिमांड एनालिसिस प्रॉपर वे में समझ में आ गया, तो ही विल बी इन अ पोजिशन टू हैव अ फर्म ग्रिप ओवर दिस सब्जेक्ट. ही विल हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पेपर. तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2, थियोरी ऑफ डिमांड. टॉपिक का नाम है हमारा थियोरी ऑफ डिमांड. थियरी ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड, डिमांड को आप कहते हैं मांग. क्या इतना कहने से काम हो गया हमारा? ये तो हमने हिंदी मीनिंग बता दी आपको. देखिए, डिमांड के लिए बात क्या होती है, इसका पहले मैं एक डेफिनेशन लिखूं और फिर मैं आपको उस पूरे डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने. डिमांड, डिमांड को डिफाइन कीजिए. डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी विच अ बायर इज विलिंग टू बाई इन अ मार्केट ओवर इन अ मार्केट एट द गिवन price of
कमोडिटी और एट द गिवन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज और एट द गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। आप सोचते होंगे इतना बड़ा डेफिनेशन क्यों लिखवाया गया। इसलिए लिखवाया गया कि इस डेफिनेशन को जानने के बाद, समझने के बाद, डिमांड के डेफिनेशन का कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो डिमांड के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है वो यहां पे इंक्लूडेड है, वो इसमें दिया हुआ है, वो डेफिनेशन आपका, वो एलिमेंट यहां पे छूटने नहीं जा रहा है। अब देखिए यहां पे पहली बात देखिए, डिमांड करता क्या है, कौन है? तो डिमांड कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ बायर। बायर डिमांड करता है, कंज्यूमर डिमांड करता है, क्रेता मांग करता है। कहां करता है? वेयर डिमांड इज मेड, इट इज मेड इन द मार्केट। क्योंकि देखो एक बायर को डिमांड करनी है, और डिमांड करनी किससे है? सेलर से करनी है। तो जहां पे सेलर मौजूद होगा वहीं पे डिमांड होगा, या तो बायर सेलर के पास पहुंचे या सेलर बायर के पास पहुंचे। और जहां कहीं भी बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड मार्केट। तो डिमांड विल बी मेड इन द मार्केट, द सेकंड एलिमेंट इज वेरी क्लियर। द थर्ड इज डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ये वस्तु की मात्रा दिखाता है। जैसे आप कहते हैं 2 liters ऑफ पेट्रोल, एक अमाउंट हुआ, एक क्वांटिटी हुई। आप कहते हैं 2 kg ऑफ राइस, 2 meters ऑफ क्लोथ, ये क्वांटिटी या कमोडिटी की, कमोडिटी वस्तु, एनीथिंग विच इज मेंट फॉर सेल, वो कोई भी गुड्स जो सेल होने के लिए बना है, दैट इज कमोडिटी। तो बायर परचेज करेगा, किसको परचेज करेगा, किस गुड्स को परचेज करेगा? फ्री गुड्स को तो परचेज नहीं करेगा। एयर, वाटर, अब आप कहिएगा वाटर, बॉटल्ड वाटर बेचा जाता है, तो दैट बिकम्स कमोडिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री गुड्स, एयर, वाटर, माउंटेन एटसेट्रा, इट इज नॉट मेंट फॉर सेल। जो कमोडिटी, जो गुड्स सेल के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड कमोडिटी। तो वाटर फ्री गुड्स है, लेकिन उसी वाटर को अगर आपने बॉटल्ड वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो नाउ इट इज मेंट फॉर सेल, जिसका डिमांड कौन करेगा? बायर करेगा। तो अमाउंट ऑफ कमोडिटी में दिखाएंगे। फोर्थ होता है इट रेफर्स टू विलिंगनेस टू बाई, ये वस्तु को खरीदने की इच्छा है, डिजायर है, इट इज डिजायर ऑफ अ कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर या बायर मार्केट में जाएगा, सेलर के पास जाएगा, और क्यों जाएगा? क्योंकि उसे गुड्स परचेज करना है। लेकिन ध्यान देने की बात है, डिमांड इज नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विथ एक्चुअल परचेज, रेदर इट इज कंसर्न्ड विथ द विलिंगनेस ऑन पार्ट ऑफ बायर टू बाई अ कमोडिटी। बायर वस्तु खरीदने की इच्छा रखता है, दैट इज सफिशियंट टू कंस्टिट्यूट अ डिमांड। वो परचेज करने में सक्सेसफुल होता है या नहीं, या एक्चुअल परचेज होता है या नहीं, वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ दैट एस्पेक्ट। वी आर कंसर्न्ड विथ द विलिंगनेस पार्ट ऑफ द बायर। बायर खरीदने की इच्छा रखता है, दैट इज सफिशियंट टू कंस्टिट्यूट डिमांड। अब जैसे मैं एक बात कहता हूं, अ बायर इज विलिंग टू बाई, अ बायर, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अ बायर इज विलिंग टू बाई, विलिंग टू बाई 2 meters ऑफ क्लोथ,
inner market of 2 meters of a specific cloth he is willing to buy. 2 meter क्लोथ का वो खरीदने को तैयार है. अब सवाल होता है किस प्राइस पे खरीदने को तैयार है. यह भी तो होगा, क्योंकि देखिए कॉमोडिटी का एक्सचेंज होगा, बाइंग सेलिंग होगा, गिव एंड टेक होगा, तो उसका कोई ना कोई तो प्राइस होगा. तो डिमांड विल बी मेड एट अ गिवन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी. दिस इज द फिफ्थ एलिमेंट. मीन्स 2 meters ऑफ क्लोथ एट द रेट ऑफ रुपीज 500 पर मीटर, एक प्राइस वहां पे दिया हुआ होगा, इस पे आप डिमांड बनाते हैं. देन डिमांड मे बी मेड एट द गिवन प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज. सिक्स देखिए और है, और कहने का सेंस क्या हुआ, जैसे मान लो बायर इज विलिंग टू बाई 2 kgs ऑफ टी, ठीक है भैया, ही इज विलिंग टू बाई 2 kgs ऑफ टी, तो फिर टी के प्राइस पे वो डिमांड कर ले, उसी टी के प्राइस पे डिमांड कर ले, सेम कमोडिटी के प्राइस पे डिमांड कर ले. या ऐसा भी तो होता है, वेन एवर यू विजिट अ मार्केट यू गो फॉर द रिलेटेड कमोडिटीज एज वेल. आप रिलेटेड कॉमोडिटीज को भी देखना चाहते हैं जी. आप टी लेने जाते हैं, आप कॉफी को भी देखते हैं, टी के डिफरेंट ब्रांड्स को देखते हैं, तो टी के प्राइस पे टी का डिमांड तो होता ही है. द डिमांड ऑफ टी कैन बी मेड एट द गिवन प्राइस ऑफ कॉफी. क्यों? क्योंकि कॉफी रिलेटेड कॉमोडिटी है, संबंधित वस्तु है. तो 2 kgs ऑफ टी एट द रेट ऑफ, या तो आप टी का प्राइस कर दीजिए एट द रेट ऑफ रुपीज 200 पर केजी ऑफ टी, या ऐसा भी आप कह सकते हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 300 पर केजी ऑफ कॉफी. रिलेटेड कॉमोडिटी की बात आ गई, या तो आप कॉमोडिटी का प्राइस दिखाइए, या आप रिलेटेड कॉमोडिटी का प्राइस दिखाइए, या डिमांड को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एट द गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम पे. क्यों? इनकम के बेसिस पे एफोर्डेबिलिटी आती है. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अ बायर इज विलिंग टू बाई 2 kgs ऑफ टी व्हेन इज मंथली इनकम इज रुपीज 50,000. यह उसका इनकम है, और इस इनकम पे वो क्या करता है, 2 kgs टी लेने को तैयार है. तो देखिए यहां पे ये सारी बातें और से कनेक्टेड है. या तो आप कॉमोडिटी का प्राइस ले लो, या रिलेटेड कॉमोडिटी का प्राइस ले लो, ठीक है, या आप क्या करो गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर ले लो. लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है डिमांड पे, तो दैट इज द प्राइस. लेकिन ये तीनों फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करने वाले इंपॉर्टेंट हैं, इनका इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, एंड दैट्स व्हाई वी आर मेंशनिंग इट. एट द सेम टाइम यू हैव टू शो डिमांड ओवर अ गिवन टाइम पीरियड. एक टाइम पीरियड के लिए भी डिमांड होता है. कहने का सेंस क्या हुआ, अब आप अपने घर पे देखिए, ग्रोसरी आइटम आता है आपके घर पे, हा? तो मंथली बेसिस पे आता है ना, या वीकली बेसिस पे आता है, जैसे आप कहते हैं आपके घर में राइस का डिमांड होता है, 5 kgs राइस का डिमांड होता है एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर केजी. अब सवाल आता है कितने टाइम के लिए, 5 kgs जो राइस आप ले रहे हो, फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, तो आप कहते हो फॉर 1 month. ये जो 5 kgs राइस का आपने डिमांड किया है 100 rupees पर केजी पे, कितने समय के लिए, तो 1 month के लिए. नाउ This definition is complete. तो जल्दी से मेरे सामने रिपीट कीजिए. डिमांड कौन करेगा, हु विल मेक डिमांड, जल्दी बोलो. डिमांड विल कम फ्रॉम द साइड ऑफ बायर. पकड़ लिए बात को, डिमांड कहां किया जाएगा. सेकेंड पॉइंट पे आओ, जहां पे सेलर मौजूद होगा
वहां पे डिमांड किया जाएगा, या तो बायर सेलर के पास जाएगा या सेलर बायर के पास आएगा, और जिस प्लेस पे बायर और सेलर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड मार्केट, दैट मीन्स डिमांड विल बी मेड इन मार्केट। क्लियर है? ठीक है जी, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे आओ, क्या डिमांड को हम एक्चुअल परचेज कहते हैं, यस और नो? डिमांड रेफर्स टू एक्चुअल परचेज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। डिमांड रेफर्स टू डिजायर ऑफ बायर टू बाई अ कमोडिटी। ये एक क्रेता की इच्छा को दिखाता है कि वो वस्तु लेने को तैयार है। Whether he has bought that commodity or not, we are not at all concerned with that. Fourth point, demand जो express करेंगे वो quantity में express करेंगे। हर commodity के की quantity बताने का अलग अलग ढंग होगा। जैसे 2 liters of milk, 5 kg of rice, 5 meters of cloth, 2 books, तो ये quantity हुआ। इसके अलावा demand किस पे depend करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये प्राइस। हाँ, प्राइस एलिमेंट जो है वो डिमांड को अफेक्ट करता है। डिमांड इज वेरी मच अफेक्टेड बाय प्राइस, और लास्ट इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो आइए बातों को कीजिए। डिमांड कौन करेगा? बायर करेगा। कहां करेगा? मार्केट में करेगा। डिमांड को एक्सप्रेस किस में करेंगे? अमाउंट और क्वांटिटी में एक्सप्रेस करेंगे। डिमांड होता क्या है? दिस इज विलिंगनेस टू बाई। डिमांड को, डिमांड इज प्राइस डिपेंडेंट, ये प्राइस पे डिपेंड करता है। और लास्ट इज डिमांड इज मेड ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। तो दीज आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड: बायर, मार्केट, विलिंगनेस टू बाई, अमाउंट ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी और रिलेटेड प्राइस और इनकम व्हाटएवर, एंड द लास्ट एलिमेंट इज टाइम पीरियड। ये बात ठीक है जी। चल फिर आगे की बात पे आए। देखिएगा, अब यहां पे जब एक बायर डिमांड करने जा रहा है तो ही इज हैविंग डिफरेंट फैक्टर्स इन हिज माइंड। बहुत सारे फैक्टर लेके वो चल रहा है। उस फैक्टर पे हम आते हैं। पहले एक छोटी सी बात आपको बता दें, डिमांड और डिजायर का रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड डिजायर? क्या सारा डिजायर, क्या सारी इच्छा वस्तु की मांग बना देगी? क्या सारा डिजायर कमोडिटी का डिमांड बना देगा? आंसर विल बी नो। क्यों ऐसा? डिजायर को ही तो डिमांड कहते हैं, विलिंगनेस टू बाय को ही तो डिमांड कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अ बेगर इज वांटिंग टू हैव अ एयर ट्रिप। एक भिखारी हवाई यात्रा करना चाह रहा है। ऐसे आज के डेट में तो क्वाइट अफोर्डेबल हो गया, लेकिन मान लीजिए ओ दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना चाहता है। A beggar is wanting to have an air trip in business class from Delhi to New York City. इच्छा तो रखता है, लेकिन यह डिमांड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Because he lacks ability to fulfill it. उसमें इस मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं। इसलिए यह डिजायर रह जाएगा। इट विल बी अ मियर डिजायर एंड इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इंटू एक्चुअल डिमांड ऑफ द बायर। तो डिजायर के साथ मैं क्या बोल रहा हूं, डिजायर तो होना ही चाहिए, डिजायर के साथ अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। मीन्स डेफिनेटली दैट विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ योर अर्निंग। वो इनकम के बेसिस पे, आपके अर्निंग के बेसिस पे, वो प्राइस के बेसिस पे डिपेंड करेगा। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मीन्स ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड।
which desire is demand? Only such desire is demand which is backed by ability to pay, and that is called effective desire. Means जिस डिजायर में एबिलिटी अगर आ गई तो उसे बोलते हैं इफेक्टिव डिजायर, और इफेक्टिव डिजायर को ही हम डिमांड कहते हैं। मीन्स बेगर ने जो डिमांड सोचा था, मन में एक इच्छा लाई थी, एक डिजायर लाया था, दैट इज नॉट द एक्चुअल डिमांड। वो उसका डिजायर है लेकिन वो डिमांड नहीं। वो हसीन सपने देख रहा है, सपने भी देखो, डिजायर भी रखो, लेकिन साथ साथ अपनी पॉकेट को भी देखो, उसमें कितना माल पड़ा है, कितना इनकम पड़ा है, इन दोनों का कनेक्शन है। मतलब डिमांड को अगर आप देखते हैं तो आप सोचते हैं, डिजायर, डिजायर कम्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में डिजायर आता है, तो केवल जो आप सोच लोगे वही डिमांड नहीं होगा। थोड़ा नीचे बढ़ो, अपने पॉकेट में हाथ डालो, क्या आपके पॉकेट में उस डिजायर को सपोर्ट करने के लिए इनकम है? मतलब ये आपके माइंड, आपके ब्रेन, आपकी थिंकिंग और आपकी एबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को मिला दो, अपनी एफोर्डेबिलिटी और अपने डिजायर को मिला दो, तब आपका जाके डिमांड बनता है। ऐसा नहीं कि जो सोच लिया वही डिमांड है, ठीक है भाई। तो आगे अब मेरा क्या कहना है, जब डिमांड की बात हम देखते हैं तो डिमांड बड़े सारे फैक्टर से अफेक्टेड होता है। एग्जाम्पल, आप एक छोटी सी बात मैं कहने जा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा मेरी बात को। आप जो मेरी क्लास का डिमांड करने वाले हैं, आप बच्चे मेरे सर्विसेज का डिमांड करने वाले हैं, सर्विसेज ये भी कमोडिटी, इसका डिमांड करने वाले हैं, नहीं ठीक है जी। एक स्टूडेंट है जो हमारी क्लास का डिमांड करने वाला है, गौर करना मेरी बात, स्टूडेंट है, बस अभी प्लस टू का एग्जाम दिया है और वो सीए फाउंडेशन कोर्स में एंटर किया है, और उसे नितेश सर की एक एन सीए क्लासेस में एडमिशन लेना है, तो वो मन में क्या क्या बात लाएगा? एक बात तो डेमो लेक्चर देख ही रहा है जी, वो तो देख ही रहा है, लेकिन डेमो लेक्चर देखने से नहीं होगा, वो एक बार हमारे क्लास की फीस भी पूछेगा, प्राइस क्या है, फीस क्या है, प्राइस नहीं, इतना सही काम हो जाएगा क्या? वो अच्छी क्लास देख लिया, उसको क्लास समझ में आ गई, वो हमारी फीस जान गया, वो डिमांड कर देगा क्या? नहीं नहीं, ये पब्लिक है जो सब जानती है, वो तो क्या करेगा, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की भी क्लासेज लेगा और उनकी भी फीस देखेगा। अदर कोचिंग क्लासेज फीस उसको भी देखेगा, वो मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, अदर रिलेटेड कमोडिटीज, फिर उसके पापा जी की इनकम भी इंपॉर्टेंट है, वो तो देखना ही पड़ेगा। एक बात मैं कहता हूं, ऐसे हमारी कोई फीस इतनी ज्यादा नहीं है कि आप सपोर्ट ना कर पाए, वो तो आप कर ही लेंगे, सिर्फ केवल बात आपको समझ में आनी चाहिए, उतना तो बहुत रिजनेबल फीस है हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकम, अपने पापा जी की इनकम भी देखेंगे। इसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बड़े सारे फैक्टर हैं, पसंद नापसंद, टेस्ट पसंद, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स, हो सकता है वो क्वालिटी ऑफ क्लास जो है उसको सही लगा, उसका टेस्ट बना, हे सेटिस्फाइड, और हो सकता है मेरी पढ़ाई गई बात उसे समझ नहीं आई और मेरे क्लास उसके टेस्ट में फिट नहीं बैठा, तो टेस्ट भी यहां पे देखना होगा। इन सारे फैक्टर के बेसिस पे वो स्टूडेंट मेरी क्लास का डिमांड करेगा। मतलब डिमांड को अफेक्ट करने वाला कोई एक फैक्टर नहीं है जनाब, कोई भी गुड्स आप लेने जाओ, आप टी का डिमांड करने जाओ,
आप डिमांड ऑफ टी लेने जाओ या आप डिमांड ऑफ टेलीविजन करने जाओ, छोड़ो टेलीविजन टी तो बड़ी बात हो गई, आप डिमांड ऑफ मोबाइल करने जाओ कोई बात नहीं, ये तो आपके हिसाब का चीज है। जब आप मोबाइल लेने जाते हो, आईफोन लेने जाते हो, तो उसकी प्राइस भी देखते हो कि नहीं देखते हो, प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस कमोडिटी का प्राइस। अब आईफोन की आप प्राइस देखते हो तो कंपेयर करते हो, वन प्लस का भी क्या प्राइस है, वन प्लस सेवन वन प्लस एट मोबाइल्स का क्या प्राइस है, मींस प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज। नेचुरली घर की इनकम क्या है, आपका वो टेस्ट बनता है या नहीं बनता है। मोबाइल तो बहुत अच्छा है लेकिन किसी बच्चे को वो पसंद नहीं आया। दुनिया में कोई भी कंपनी अगर कोई गुड्स बनाती है तो उसके अनुसार वो खराब गुड्स थोड़ी ना बनाती है, वो तो अपना बेस्ट देती है। अब सवाल ये आता है क्या वो गुड्स आपके टेस्ट में फिट बैठता है या नहीं। मतलब मेरा ये कहना है ये सारे फैक्टर्स मिलके एक कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स का रिलेशनशिप हम डिमांड फंक्शन से दिखाते हैं। देयर कम्स अ टॉपिक नेम्ड डिमांड फंक्शन। नाउ देयर इज डिमांड फंक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड फंक्शन। हिंदी में कहें मांग फलन, फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन, क्या कहिएगा आप इसे, डिमांड फंक्शन एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। लिखिए चलिए जी, तो दिस इज डिमांड फंक्शन, जहां पे ऑन वन हैंड यू विल बी हैविंग डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड ऑन अदर हैंड यू विल बी हैविंग ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी आप दिखाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मान लो यू आर मेंशनिंग हियर डी एक्स, मैं बताता हूं इज द फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, फंक्शन ऑफ पी एक्स पी ओ वाई टी डी ई एटसेट्रा, अदर फैक्टर्स भी आते हैं। मीन्स एक्स कमोडिटी की डिमांड, डिमांड एक्स कमोडिटी, नेम ऑफ कमोडिटी, वस्तु का नाम, जैसे टी का डिमांड, चाय की मांग, इसको अफेक्ट करने वाले ये सारे फैक्टर्स हैं। ये है, ये है, ये है, ये सारे फैक्टर मिलके इस बेचारे डिमांड को सताए हुए हैं। ये सारे फैक्टर मिलके अकेले इस डिमांड को परेशान किए हुए हैं। सारे फैक्टर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो इस रिलेशनशिप को आप क्या कहते हैं, डिमांड फंक्शन कहते हैं, जहां पे डीएक्स डिमांड ऑफ कमोडिटी, पीएक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, पीएक्स मीन्स प्राइस ऑफ टी, एक्स की जगह आपने टी लिया तो यहां भी आप लोगे प्राइस ऑफ टी,
PO, price of coffee, ink Y income, etc. मतलब इस रिलेशनशिप में अगर आप देखिए तो डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. क्या है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल है. ऐसा ही होता है ना मैथमेटिक्स में कुछ. और ये सारे जो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अदर फैक्टर्स भी आते हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं, मतलब डिमांड इन सारे फैक्टर से अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है. ये जितने फैक्टर हैं ये मिलकर डिमांड को अफेक्ट करते हैं. तो डिमांड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, निर्बल पक्ष है, और ये सारे इंडिपेंडेंट है. मतलब प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट दिखाएगा डिमांड फैक्टर, ये डिमांड को अफेक्ट करेगा, ये डिमांड को अफेक्ट करेगा. ऐसा है कानून. मींस एक छोटी सी बात मैं समझा दूं, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज. प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, ये डिमांड फंक्शन कहता है. इसलिए डिमांड को आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. प्राइस रिड्यूसेस, डिमांड इंक्रीजेस. अब ये नहीं कहता डिमांड फंक्शन कि डिमांड इंक्रीजेस देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन प्राइस. डिमांड अगर बढ़ेगा तो क्या डिमांड फंक्शन लगेगा बैक गियर में, अपोजिट साइड में क्या डिमांड फंक्शन लगेगा? नहीं. डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, ऐसी बात नहीं है. वो तो अलग रिलेशनशिप है जिसको आप इन्फ्लेशन वगैरह जानते हैं. यहां पे उसका कोई लेना देना नहीं है. उसका आंसर आपको डिमांड फंक्शन नहीं देने वाला है. ठीक है जी. तो चलिए यहां पे हमने क्या क्या समझा. डिमांड फंक्शन को समझा. डिमांड फंक्शन में एक तरफ हमने डिमांड को लिया और दूसरी ओर सारे फैक्टर्स को लिया जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. अब इन फैक्टर्स का क्या नाम है? तो यहां पे डीएक्स इज द डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स. एक्स मींस टी. पीएक्स इज द प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी. पीओ इज प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज. वाई इज इनकम ऑफ कंज्यूमर. तो ये आ गया. टी इज टी टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस. डी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Distribution of income, and E is expectation of consumer. इसके अलावा other factors भी आते हैं. तो ये सारे factors हैं जो demand को influence करते हैं. These are the factors that has got its impact on demand of commodity. Means buyer कोई भी goods लेने के पहले इन सारे factor को एक साथ देखेगा. एक साथ देखेगा. अब आइए, अब यहां पे क्या करना है, हमें हर एक फैक्टर्स का डिमांड पे इफेक्ट देखना है. वन बाय वन वी आर सेग्रीगेटिंग द इंफ्लुएंस ऑफ एवरी फैक्टर ऑन डिमांड ऑफ कमोडिटी. हम किसी एक फैक्टर का डिमांड पे इफेक्ट देखना चाहते हैं. तो एक टॉपिक बना ले यहां से हम, दैट इज आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक सो.
ठीक है, तो आइए यहां पे देखें आप फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन कौन सा है? तो पहला फैक्टर है दैट इज पीएक्स। पीएक्स मीन्स सेम कमोडिटी का प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब देखो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर तो बड़े सारे हैं, किसी एक फैक्टर का अगर डिमांड पे इफेक्ट देखना है तो बाकी के फैक्टर के इफेक्ट को कांस्टेंट करना होगा, स्थिर करना होगा। दैट इज कॉल्ड सेटेरिस पेरिबस। नहीं समझे बात? कोई बात, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो एक बस है, पूरा दिखाइए फ्रेम, एक बस है और उस पे स्कूल के स्टूडेंट्स एक पिकनिक पे जा रहे हैं जी। मान लो बस में 40 सीट्स है और सारे स्टूडेंट बस पे बैठे हुए हैं, उनका पिकनिक का टाइम है, वो किसी पिकनिक ट्रिप पे जा रहे हैं, स्कूल स्पॉन्सर्ड पिकनिक ट्रिप पे जा रहे हैं। इंडिया का माहौल, बस कभी भी खराब हो सकती है जी, हो गई, रुक गई बस, तो बस वालों ने कहा, ड्राइवर ने कहा कि भैया ऐसा है, सारे स्टूडेंट को पुश करना होगा, धक्का लगाना होगा। तो सारे स्टूडेंट एंथुजियास्टिक स्टूडेंट थे, वो सारे उतर गए और बस को पुश करना शुरू कर दिया। 40 स्टूडेंट थे, उन्होंने बस को पुश किया, थोड़ा मोशन में आया बस और स्टार्ट हो गया। अब 40 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट सामने आता है और कहता है कि भैया ऐसा है, ये तो मैं था कि बस स्टार्ट हुआ, मैंने बस को पुश किया है, मैंने बस को आगे बढ़ाया है। बेचारे 39 वो कहेंगे नहीं साहब, मैंने भी एफर्ट लगाया है, मैंने भी प्रयास किया है, हम सबों ने मिलकर प्रयास किया है। अब क्या हो गया, इन सबों में विवाद हो गया नहीं? तो इस डिस्प्यूट को, इस विवाद को सुलझाने का ढंग क्या है? अगर बात बात वैसी हो रही है, उसको दूर करने का ढंग क्या है कि 40 स्टूडेंट में से वो अकेला स्टूडेंट जो अपने आप को वीर महावीर बना रहा है, उसको क्या कहो कि तुम बस को पुश करो और बाकी 39 लोग अलग खड़े हो जाओ। 40 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट के इफेक्ट को देखना है तो एक स्टूडेंट पुश कर रहा है और बाकी लोग खड़े होकर देख रहे हैं, मतलब एक स्टूडेंट ने एफर्ट लगाया और बाकियों का एफर्ट क्या है, कांस्टेंट है प्रयास उस समय, हाँ क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। एग्जैक्टली वही बात डिमांड के साथ होती है। ये सारे फैक्टर मिलकर डिमांड का, डिमांड को परेशान कर रहे हैं। प्राइस कह रहा है मैं सबसे बड़ा, प्राइस रिलेटेड कमोडिटी कह रहा है मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा, इनकम कह रहा है मैं सबसे बड़ा, टेस्ट कह रहा है मैं सबसे बड़ा। डिमांड परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया, पजल्ड हो गया डिमांड। डिमांड कहता है भैया ऐसा करो, एक एक करके हमारे सामने आओ, एक एक फैक्टर मेरे सामने आओ और बाकी अलग हो जाओ। उस समय वही अजम्पशन इकोनॉमिक्स में सेटेरिस पेरिबस कहता है, कहलाता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य तत्वों को स्थिर रखते हुए। चलिए तो प्राइस का रिलेशनशिप हमें देखना है, जैसे हम क्या कहेंगे, सेटेरिस पेरिबस लैटिन वर्ड है, कोई बात नहीं,
इसको कहते हैं अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य तत्व स्थिर रखते हुए द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी. पहले इस बात को लिखो आप. देखिए जी ये बात है. सेटेरिस पेरिबस अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी. गौर करना बेटा यहां पे देखना. मींस जब आप प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट देखेंगे तो प्राइस की अलामत जितना है सबको स्थिर कर दीजिए. मतलब ऐसा नहीं कि वो डिमांड पे इफेक्ट नहीं डालता है. उस समय वो शांत बैठा है, कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं. दूसरा अगर पीओ का इफेक्ट देखेंगे तो पीओ के अलावा जितने फैक्टर मींस कौन कौन है, पी एक्स है, वाई है, टी है, डी है, ई है, इसको कांस्टेंट करेंगे. मतलब जिस फैक्टर को देख रहे हैं उसके अलावा सारा फैक्टर कांस्टेंट है. आइए यहां पर हमने क्या कहा इस बात को समझिए कि जब बाकी के फैक्टर्स को आप कांस्टेंट करते हैं तो डिमांड ऑफ कमोडिटी और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है. डीएक्स मींस डिमांड ऑफ टी, पीएक्स मींस प्राइस ऑफ टी, दीज आर अपोजिटली रिलेटेड. अपोजिटली रिलेटेड कहने का मतलब प्राइस इंक्रीजेज, प्राइस का इफेक्ट देखना है. डिमांड फंक्शन याद करो, प्राइस का इफेक्ट देखना है डिमांड पे. प्राइस इंक्रीजेज, डिमांड डिक्रीजेस. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा. अपोजिट रिलेशनशिप है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में. प्राइस का कम होना डिमांड का बढ़ जाना, प्राइस का कम होना डिमांड का बढ़ जाना होता ही है. अगर मार्केट में गुड्स चीप हुआ तो आप ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, और प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड आप कम कर देते हैं. अगर मार्केट में आप गए और आपने देखा किसी गुड्स का प्राइस ज्यादा है तो उसकी मात्रा आपने कम ली, महंगा कहते हैं, उसका डिमांड आपने कम किया. मींस अपोजिट डायरेक्शन में, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगा. लेकिन वो कब, जब बाकी के फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है. अब मान लो प्राइस बढ़ा और साथ साथ कंज्यूमर का इनकम भी इंक्रीज कर गया, नो इफेक्ट. प्राइस इंक्रीज होने का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया, वो प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ा दिया. इसलिए अपोजिट रिलेशनशिप के लिए आपको मान के चलना होगा बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं. दिस रिलेशनशिप इज नोन एज, इतने रिलेशनशिप को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. यही कहलाता है मांग का नियम. This is called law of demand. Clear है? This is called law of demand. ठीक है? तो ये तो बड़ा एक practical experience का law है. आपने भी
जब आप मार्केट विजिट किए हो तो आपने क्या किया है, बढ़े हुए प्राइस पे आपने लोअर डिमांड किया है, कम गुड्स लेके आए, आप ये किए हो, आपका वही एक्सपीरियंस लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम है, एंड इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ डीलिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब इकोनॉमिक्स में बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, लेकिन ये उन सारे कॉन्सेप्ट्स में बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं। इकोनॉमिक्स में हम लोग अपने टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन करते चलेंगे, तो जो मेरे बुक में भी ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन यहां पे मैं राइट डाउन करता हूं, इस क्वेश्चन को लिखता हूं, और आपसे आंसर एक्सपेक्टेड है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है तो उसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन क्या है मेरा, लॉ ऑफ डिमांड इज अ, ए ऑप्शन क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, बी ऑप्शन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। आइए जी, तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ द अबव। क्या आंसर है आपका? द आंसर इज बी। व्हाई? लॉ ऑफ डिमांड को क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, मैं रीजन बताता हूं। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, सही ना? प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगा, समझ में आ रही है बात? लेकिन क्या कभी आपने लॉ ऑफ डिमांड में यह देखा है क्या कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कितना डिक्रीज होगा? व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ डिमांड दैट विल डिक्रीज, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ डिमांड दैट विल इंक्रीज? ऐसा कुछ होता है क्या? नॉट एट ऑल। तो लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, ये प्राइस डिमांड का रिलेशनशिप बताता है लेकिन क्वांटिटी का फॉर्म में नहीं बताता है। ये डायरेक्शन बता सकता है आपको, दिशा बता सकता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड डिक्रीज होगा,
प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा. तो दिस विल नॉट टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, दिस इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. क्वालिटेटिव मीन्स व्हाट? ये डिमांड का प्राइस डिमांड रिलेशनशिप का एक डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता है. ये डिमांड की क्वालिटी को बताता है. क्वालिटी मीन्स व्हाट? डिमांड इज इंक्रीजिंग, डिमांड इज डिक्रीजिंग, ये बताता है. डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है ये बताता है. इट गिव्स यू आइडिया अबाउट द क्वालिटी ऑफ चेंज इन डिमांड. डिमांड में चेंज का डायरेक्शन क्या है वो बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. एक और क्वेश्चन ले हम लोग साथ साथ. इस पेपर में अटेम्प्ट हमारा यही होगा, इसलिए आपने स्टूडेंट्स को भी देखा है कि दे हैव सिक्योर्ड वेरी गुड मार्क्स इन दिस पेपर एज वेल. आई विल शो यू द रिजल्ट ऑफ फ्यू मोर स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड अप्रोक्सीमेटली फुल मार्क्स इन दिस पेपर, फुल मार्क्स. अब आइए एक दूसरे क्वेश्चन पे लगे हम, और मुझे उम्मीद है कि आप शायद कर लेंगे उस क्वेश्चन को. क्वेश्चन देखिए क्या है. लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिशेस ए डिमांड प्राइस रिलेशनशिप बी प्राइस डिमांड रिलेशनशिप सी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज डिमांड रिलेशनशिप एंड नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द एबव. देखिए इसे नोट भी कर लीजिए साथ ही. ठीक है जी, तो आप देखो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड प्राइस की बात तो हो रही है, तो यह मान तो गड़बड़ है जी, यह तो होगा नहीं. अदर रिलेटेड कमोडिटी प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप तो नहीं होगा. खैर यहां पे क्या होगा, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप और डिमांड प्राइस रिलेशनशिप. द आंसर विल बी प्राइस डिमांड रिलेशनशिप. व्हाई? यही जब आप लॉजिक डेवलप करने लगेंगे ना, तो यहां पे अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में आएंगे. ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट है, आपको मैंने बता दिया प्राइस डिमांड रिलेशनशिप तो आप उसे याद रखो. नॉट एट ऑल. यू विल हैव टू डेवलप अ लॉजिक रीजन, आपको डेवलप करना होगा. तो
तो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड प्राइस पे इफेक्ट नहीं दिखाता है, लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड प्राइस पे इफेक्ट नहीं दिखाता है, ये प्राइस डिमांड पे इफेक्ट दिखाता है। नहीं, मीन्स डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल और प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट देखने को मिलता है। यू विल सी द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड एंड दैट्स व्हाई दिस इज प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप को आप लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। एक दो बात और देखें हम, जैसे यहां पे लॉ ऑफ डिमांड प्राइस डिमांड रिलेशनशिप है, अगर इसी को आप देखें तो देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कर्व, दोनों क्या है जी? लॉ ऑफ डिमांड के लिए या आप प्राइस और डिमांड से रिलेटेड अगर रिलेशनशिप देखना चाहते हो तो यू विल हैव टू विजिट मार्केट, आपको बाजार जाना होगा और वहां पे आपको यह देखना होगा अलग अलग प्राइस पे बायर क्या डिमांड कर रहा है जी। इससे रिलेटेड एक सर्वे करना होगा, एक डेटा का कलेक्शन करना होगा आपको, और जब प्राइस और डिमांड से रिलेटेड डेटा को आप टेबल के फॉर्म में मींस इन दिस टी शेप अगर इस फॉर्मेट पे आप रिप्रेजेंट करते हो तो दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो नेचुरल सी बात है, प्राइस और डिमांड की बात अगर कर रहे हैं हम तो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड शेड्यूल भी लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड होता है। एक एग्जांपल दे के मैं समझाता हूं। जैसे मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज है, तो डिमांड इज ऑफ 100 यूनिट्स। एक बात मैं कहता हूं, एक दिन आप गए बाजार में, आपने देखा उस कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज है, आपने 100 यूनिट्स का डिमांड किया। आप दूसरे दिन कभी बाद में गए, प्राइस भर के 12 रुपीज हुआ, तो प्राइस इंक्रीजेज, देन व्हाट विल हैपन, डिमांड डिक्रीजेज। आपने एक डेटा कलेक्ट किया, डिमांड डिक्रीजेज टू 90 यूनिट्स, ये 80 यूनिट्स भी हो सकता है, डिमांड को कम होना है। बात यह है, प्राइस इंक्रीजेस टू 14 रुपी, फर्दर डिमांड डिक्रीजेज 80 यूनिट्स, 16 रुपीज, डिमांड फर्दर डिक्रीजेस टू 70 यूनिट्स। ये रिलेशनशिप आपने टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इस टेबलर प्रेजेंटेशन को, टेबल के फॉर्म में जो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसे आप डिमांड शेड्यूल कहते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड हो। फिर बात होती है कि डिमांड शेड्यूल दो टाइप का होगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक खास कंज्यूमर का डिमांड शेड्यूल है। मिस्टर राम एक कंज्यूमर है, वो डिफरेंट प्राइसेस पे क्या क्या डिमांड कर रहा है, उसको आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से दिखाते हैं। एंड देन कम्स मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल कहने का मतलब, मार्केट के सारे कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस पे टोटल डिमांड क्या करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, डिफरेंट प्राइसेस पे मार्केट के सारे कंज्यूमर के डिमांड का सम टोटल डिमांड शेड, मार्केट डिमांड शेड्यूल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। At different prices, the total demand of different consumers present in market is represented by market demand schedule. Similarly, अब जब आप demand schedule को graph पे represent करते हैं, गौर कीजिएगा,
डिमांड शेड्यूल को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ कहने का सेंस क्या हुआ, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ इट विल हैव टू एक्सेस, ये दो एक्सेस होगा। यहां पे देखिए दो एक्सेस होगा जिसमें एक होगा वाई एक्सेस और एक होगा एक्स एक्सेस, और आपके पास दो वेरिएबल है प्राइस और डिमांड। आप इन दोनों को दो एक्सिस में कहीं पुट कर सकते हैं, यह आपको फ्री हैंड स्केचिंग करना होगा, ग्राफ पेपर इकोनॉमिक्स में सप्लाइड नहीं होता है। यू विल हैव टू एडॉप्ट अ फ्री हैंड स्केचिंग मोड। तो टू डायमेंशनल ग्राफ लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उन दोनों एक्सिस पे दो वेरिएबल है, उनको आपने प्रेजेंट कर दिया। जैसे y एक्सिस पे हमने प्रेजेंट किया प्राइस को और x एक्सिस पे हमने प्रेजेंट किया डिमांड को। आप मुझसे कहेंगे सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डिमांड y एक्सिस पे आ जाए और प्राइस x एक्सिस पे आ जाए, क्या ऐसा संभव नहीं है? नॉर्मली मैं बता रहा हूं, नॉर्मली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि डिमांड फंक्शन में प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे आता है। बच्चे बराबर ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम बताते हैं और उनको क्या लगता है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट है, यहां पे ग्राफ क्या बनाना, यहां पे तो चार ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक टिक लगाना है। देखिए स्टडी में कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, आपने दो पेपर पढ़ाते हुए देखा है और आपने यह फील किया होगा आई हैव नेवर वेस्टेड योर टाइम, दैट इज द रियल थिंग। आपको यह बात सोच के चलनी होगी एंड व्हाट इज दैट, आपको यह बात सोच के चलनी होगी, समझिएगा मेरी बात। आपको अगर इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉपर स्टडी लेनी है तो ग्राफ भी बनाना आना चाहिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आएंगे। इतने अच्छे मार्क्स जो स्टूडेंट का मैं दिखाता हूं उनको पूरा में हम लोग थरोली अपना सब्जेक्ट कराते हैं, तब जाके मार्क्स स्कोर होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइस को आपने वाई एक्सिस पे रखा और डिमांड को एक्स एक्सिस पे रखा। नॉर्मली जो ग्राफ होता है इसको आप प्लॉट करते हैं, यहां पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, प्लॉट करने का मतलब लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है। गौर से समझिएगा मेरी बात को, क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस 16 से 14 हुआ, डिमांड 70 से 80 हुआ, प्राइस 14 से 12 हुआ, डिमांड 80 से 90 हुआ, इट्स लाइक दिस। प्राइस वाई एक्सिस पे है और प्राइस का कम होना मतलब वाई एक्सिस पे नीचे की ओर आना, यस और नो टेल मी। अगर प्राइस रिड्यूस होता है और प्राइस वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे रिडक्शन का मतलब नीचे की ओर आना, और डिमांड इंक्रीज हो रहा है और डिमांड एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे इंक्रीज होने का मतलब राइट साइड में जाना। दो बातों का कॉम्बिनेशन यहां पे देखने को मिलेगा। व्हाट इज दैट, प्राइस रिड्यूसेज प्राइस डिक्रीजेज मींस हम वाई एक्सिस पे नीचे की ओर आ रहे हैं, एंड डिमांड इंक्रीजेज मींस हम एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे जा रहे हैं, मींस हमें ये जो कर्व मिलेगा वो कैसा होगा, दिस विल बी डाउनवर्डली स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट। ये कर्व जो हमें मिलेगा ये कैसा होगा, डाउनवर्डली स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट। डाउनवर्डली स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट मीन्स समझिएगा, डाउनवर्डली मीन्स प्राइस का कम होना, वाई एक्सिस पे कम होना डाउनवर्डली, राइट मीन्स डिमांड का बढ़ना। तो दिस कर्व विल बी, आप इसका नाम क्या देते हैं, डाउनवर्डली स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट। डिमांड कर्व इज डाउनवर्डली स्लोपिंग towards right।
ठीक है जी, तो नोट कीजिए। आइए, तो ये कर्व डाउनवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस पे बेस्ड आईसीआई एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। द सेम क्वेश्चन इज देयर इन योर आईसीआई स्टडी मटेरियल, जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां से जो बुक मिलेगी उसमें भी है, मैंने अपने बुक में भी दे रखा है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आईसीआई के एग्जाम में भी आया था। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो शेड्यूल वगैरह तो क्लियर है, इसको मैं रब कर देता हूं सामने से, थोड़ा सामने आमने सामने क्वेश्चन रहेगा, समझाना हमारे लिए आसान होगा बेटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमांड कर्व। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमांड कर्व, गौर करना है यहां पे, इसमें कौन डिमांड कर्व नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा है डाउनवर्डली स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट, दूसरा ऑप्शन दे रहा है अपवर्डली स्लोपिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, तीसरा ऑप्शन दे रहा है अपवर्डली स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट, और चौथा ऑप्शन दे रहा है नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन है, देखिएगा। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, मींस कौन सा डिमांड कर्व नहीं है, फिर इस पेपर में फुल मार्क्स लाने का एक ही स्ट्रेटजी है बेटा, कभी भी ऑप्शन को टिक करने पे आप अटेंशन मत लगाइए, लॉजिक डेवलप कीजिए, लॉजिक डेवलप कीजिए, रीजन डेवलप कीजिए, 100 मार्क्स का पेपर है and we are trying to make you competitive, you will have to be highly competitive, tabhi full marks aap attain kar sakte hain, pass karna to bhaiya kuch bhi ho sakta hai, pass karna, pass karne ke liye padhna, wo strategy jo hoti hai na wo professional course mein kabhi bhi achhi strategy nahi main manta hu, you must have a killing instinct, passionate instinct, you will have to get full marks, हम लोग उस मोड पे आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी स्ट्रेटजी समझिए। तो कौन सा डिमांड कर्व नहीं है, तो डाउनवर्डली स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट, ये तो डिमांड कर्व है, डाउन प्राइस का कम होना, राइट डिमांड का बढ़ना, तो डाउनवर्डली स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट डिमांड कर्व है। मीन्स यहां पे बात क्या हुआ, प्राइस और डिमांड का रिलेशन अगर देखें तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, सही है बच्चे। एक बात और फील करो आप,
सेम कर्व को अगर आप दूसरे डायरेक्शन से होते हो, जैसे ओरिजिन से देख रहे हो ना, थोड़ा राइट साइड से जाके आप देखो सेम कर्व को, थोड़ा राइट साइड से जाके आप देखो तो क्या होता है, अपवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, अप, अप कहने का सेंस क्या हुआ, ऊपर की ओर जाना, मीन्स प्राइस का बढ़ना, सही भाई बता रहा हूं, प्राइस का इंक्रीज होना, अपवर्डली टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट कहने का मतलब डिमांड का कम होना, अपवर्डली मीन्स प्राइस का बढ़ना, प्राइस इंक्रीजेस, और डिमांड का डिक्रीज होना मीन्स इस कर्व का लेफ्ट साइड में आना। तो अपवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट के लिए हमें कोई दूसरा कर्व नहीं बनाना होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू इलस्ट्रेट, अपवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट बनाने के लिए आपको कोई दूसरा कर्व नहीं बनाना है, आप डायरेक्शन बदल दीजिए ना, जहां पे बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं वहीं पे आप अपना डायरेक्शन को थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ा राइट साइड में आके अपने कॉपी को देखिए, क्या फील होगा, सेम कर्व ऊपर जा रहा है मींस प्राइस बढ़ रहा है, और सेम कर्व लेफ्ट साइड में जा रहा है मींस डिमांड डिक्रीज हो रहा है, अगेन इट इज लॉ ऑफ डिमांड, यही लॉ ऑफ डिमांड है, और डिमांड कर्व इस रिलेशनशिप को भी दिखाता है, तो ये भी डिमांड कर्व हो गया भैया, कहां प्रॉब्लम है, डाउनवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, इसी कर्व को आप अपवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट भी कह सकते हैं, सेम कर्व को आप अपवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट भी कह सकते हैं, अपवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड डिक्रीज हुआ, समझिएगा समझिएगा। अब थर्ड पॉइंट पे हम आए, ये क्या कहता है, अपवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, हमेशा पकड़ के चलना है, जब प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप हो तो वहां लॉ ऑफ डिमांड का एप्लीकेशन होगा, एकदम ये बात मन में बैठा के चलो, ये आपका कोर थिंकिंग होना चाहिए, आपकी बुनियादी सोच यही होनी चाहिए। अब आइए हम देखें सी ऑप्शन क्या कहता है भाई, सी ऑप्शन कहता है, गौर कीजिएगा मेरी बात को, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस रखा और एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड रखा, देखिए अब आपको क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन क्या बता रहा है, अपवर्डली टुवर्ड्स राइट, अपवर्डली ऊपर की ओर जाता हुआ, टुवर्ड्स राइट दाहिनी ओर मुड़ता हुआ, मतलब इस कर्व को बना के देखो, अब अपवर्डली ऊपर की ओर गया, यह कर्व ऊपर की ओर गया और टुवर्ड्स राइट गया, अपवर्डली स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट मीन्स अपवर्डली स्लोपिंग अप, ये प्राइस के इंक्रीज को दिखाता है, मीन्स यहां पे प्राइस इंक्रीज हो गया, और राइट मीन्स यहां पे डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो अपवर्डली प्राइस बढ़ा और डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा और डिमांड बढ़ा, क्या ऐसा होता है, क्या यह बात लॉ ऑफ डिमांड बताता है, आंसर होगा नहीं, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, दिस इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड का एप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो वो डिमांड कर्व नहीं है, दैट मींस व्हाट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट मींस ये डिमांड कर्व नहीं है, ये डिमांड कर्व नहीं। तो मैंने कुछ एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको सामने करवाए, और यहां पे इस सब्जेक्ट में मेरा कोशिश होगा टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस हम साथ साथ करते रहे, ठीक है। तो आई थिंक कि मैंने जो आपको अभी क्लास में समझाया है आपको समझ में आया होगा, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। Thank you very much. The class is over.